हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डेली तीन वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, रीजनिंग, मैथ और जीके की। आप तीनों वीडियो का टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन रखिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज गणित की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये एनटीपीसी 2016 में कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं मान लेता हूँ कि सीपी भाई हमारी एक्स है। अब इस एक्स सीपी को, सीपी हमारी 100% होती है, इस एक्स सीपी को हमें एक बार तो 4% से बढ़ाना है और एक बार 8% से बढ़ाना है। तो बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 4% का और 8% का, और जो उनका अंतर आएगा वो 3 है। तो यहाँ पे अंतर की तो बात छोड़ दीजिए, बट इनका जो सीपी है उसको बढ़ा लेते हैं। तो एक्स को जब मैं बढ़ाऊँगा 4% से, तो यहाँ पे 104 की मल्टीप्लाई करूँगा और ये 100% की वैल्यू, तो उसको 100 से गुणा, सॉरी भाग कर दूँगा। फिर दूसरे वाला है आपका, इस एक्स को बढ़ाना है 8% से। तो देखिए ये आपका 100% की वैल्यू, इसको 8% से बढ़ाना है तो 108 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से एक्स हटा दीजिए, 0 से 0, तो 104 और 108 आपका रेशो आ गया। अब ये किसी भी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये 4 से हो जाएगा कितनी बार, 26 टाइम, और ये 4 से हो जाएगा 27 टाइम। तो यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और स्टूडेंट क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें से रेशो कैसे निकाले। ठीक है, अब इस 3 रुपीज़ का कोई हमें यूज़ नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो इसका कोई मतलब नहीं था, बट बस आपको बताया था कि 4% के लाभ और 8% के लाभ का जो अंतर होता है जब बेचते हैं हम उसे विक्रय मूल्य का, वो 3 रुपये होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करें, अगर क्वेश्चन क्लियर होता है तो लाइक जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में तो बहुत बार रिपीट होता है और अदर एग्जाम में भी बहुत बार ये पूछ ले जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष 4 और 5 बचता है, उस संख्या को आपको निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको शेष बचाने की बात की जाए, तो जो आपको शेष बचाना है जिस संख्या में से, उसमें से उसको माइनस कर लीजिए, यानी कि 1250 में से 4 को माइनस करके लिखिए तो कितना आएगा, 1240 आ जाएगा। ठीक है, और 1615 में से दोस्तों 5 को माइनस करेंगे तो 1610 आ जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप है। अब ये आपका आ गया है, तो इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए। अब एचसीएफ कैसे लेंगे, अब इन दोनों के फैक्टर करिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 1240 और 1610, इनके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, 2 × 7 × 89। ठीक है, और अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसके भी 2 × 7 × 23, यानी कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1240, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1610। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 7, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ पे जो आपका आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 7 × 14। तो वह बड़ी से क्या बोला था उन्होंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष आपका 4 और 5 बचे, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 40। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप यानी कि आपको क्या करना है भाई, ये जो है 4 और 5, इन संख्याओं में से माइनस करके लिख लेना है, फिर जो संख्या है उनके फैक्टर कर लीजिए, और उनमें से जो भी कॉमन है आपके वो आप उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, पी के अंकों का योगफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई जरूर करिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। यहाँ पर जब भी आपको दिया गया है, यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो इन्होंने बता दिया कि पी वह सबसे बड़ी संख्या है,
तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों को किस प्रकार लिखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटे वाली को माइनस करके लिखेंगे, बड़े वाली में से छोटे वाली को माइनस करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे 150 में से 60 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा आपका 90। तो पहली संख्या आपकी 90 आ गई। फिर यहाँ पे 285 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 135। तो दूसरी संख्या 135 हो जाएगी। और फिर 185 में से 60 को माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 225। अब इन तीन संख्याओं का आपको क्या लेना है, एचएफ निकालना है, ठीक है। यानी कि 90, 135, ठीक है, और 225। अगर आपने एचसीएफ एलसीएम वाली मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ में कर सकते हैं। अब देखिए 90 के जो मैं फैक्टर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है भाई, 3 × 2 = 6 और 36 = 18, 18 × 5 = 90। वहाँ यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। और 225 के भी फैक्टर दोस्तों कुछ इसी प्रकार बन जाएंगे, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, तो 5 हो जाएगा और 45 × 5 ये हो जाएगा 5, ठीक है, 135, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर बन गए। अब इनमें कॉमन देखिए, इसमें भी आपका कॉमन है 335, इसमें भी 335 और इसमें भी 335। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये केवल आपका यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला 5 है इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 335 है। तो 335 की दोस्तों, सॉरी, 3 × 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, 45 आ जाएगा। अब 45 आपका पी वाली संख्या आ गई, ठीक है, यदि वह सबसे बड़ी संख्या है तो पी क्या है दोस्तों, आपका 45 है। बट आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी के अंकों का योगफल, तो पी में अंक कौन कौन से यूज है, 4 और 5, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 9 इसका सही आंसर रहेगा। तो कई बार स्टूडेंट यहाँ पे आके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो दोस्तों 45 प्लस जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी का भी कोई डाउट बचता है ना क्वेश्चन में तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड की है उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस क्वेश्चन की बताऊँगा। इसमें बोला गया तीन संख्याओं का अनुपात 2 × 3 × 5 तथा यहाँ पे एच सी एफ जो है, मासा जो है आपका एच सी एफ वो 35 है। संख्याओं का लैसे यानी कि एलसीएम आपका क्या है, ज्ञात करना है। तो जब भी आपको एलसीएम या एच सी एफ में से किसी भी एक की वैल्यू दी होती है और रेशो दिया होता है, तीन संख्या या फिर तीन संख्या दे दी होती है, तो आपको क्या करना है भाई, इन तीन संख्याओं का आपको पता है एच सी एफ तो 35 है, तो इन तीन संख्याओं का, इन तीनों का आप एलसीएम और निकाल लीजिए। तो तीन संख्या तो नहीं है, ये तो रेशो है, तो रेशो का ही एलसीएम निकाल लीजिए। तो रेशो का कैसे निकालेंगे भाई, टू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका पहली संख्या है 2x, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी 3x और दूसरी और तीसरी संख्या आपकी 5x। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अब जब भी आपको इस तरीके से लगातार संख्या होगी तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 30, यानी कि 30x इनका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम आ गया, ठीक है। बट एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम जो ये आया है आपका, ये है वैल्यू नहीं आई है, ये रेशो के अकॉर्डिंग आया 30x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 आपको मिल गया 30x और x की जगह आप 35 रख देंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 × 35 जो आएगा वो आएगा 10 और 50, यानी कि 1050, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको समझ में आया, देखिए यहाँ पे आपको तीन संख्याओं का रेशो दिया गया, अगर तीन संख्या दी होती तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर ही लेते, कोई टेंशन की बात नहीं थी। बट तीन संख्याओं का रेशो दिया गया, उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया गया, एलसीएम निकालना है, तो इन तीन संख्याओं का जो रेशो है उनका अकॉर्डिंग जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, 30x। अब 30x की जगह जो आएगा दोस्तों एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी का डाउट बचा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है और एलसीएम 29 और 435 है। एचसीएफ और एलसीएम, ये एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है भाई इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं। कैसे करना है,
आप सभी को पता है दो संख्याओं का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो दोनों संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो दोनों एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होती है मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे पहली संख्या 145 है तो मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मैं एक्स मान लेता हूँ और ये किसके इक्वल होगी 29 यानी कि एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम यानी कि 435। इसको वैसे भी याद रखिएगा यानी कि नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू इक्वल होगा आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x ये हो जाएगा आपका 29 मल्टीप्लाई 435 और डिवाइड बाई 145। इसको सोल्व कर लीजिए बस। ठीक है, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे समथिंग समथिंग आपका 87 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी का भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन आपने समझा दिया तो फिर दोबारा से क्यों पूछूं, तो पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट बचता है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक कर देना, और वीडियो का कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आपको टाइमिंग मैं इसलिए बताता हूं बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में टाइम को भी नोट कर ले, टाइम को नोट कर लिया करें ताकि वीडियो आप उस टाइम पर आके देख लिया करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लगातार अपलोड होती रहेगी चाहे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए। ठीक है, और आपने अगर